फ्रेंड्स, मैं नितिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है DNA। इसमें हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन ने दिया था उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम जानेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। अगर हम इसके फॉर्म्स को देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। मतलब डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर हम देखें कि इसका कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब ये बनता कैसे है, क्या क्या इसमें होता है और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैसी होती है, तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमर होता है, मतलब बहुलक होता है, मोनोमेरिक यूनिट जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। कहने का मतलब ये है, दीज न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट आर ज्वाइंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। जब दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ती हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर की, तो डीएनए की स्ट्रक्चर फोर लेवल्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो वो होती हैं डेक्सीराइबोज, बेस एंड फॉस्फेट। डेक्सीराइबोज एक शुगर होती है जो पेंटोज शुगर होती है, ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बेस दो टाइप्स की होती है, प्यूरिन और पिरामिडिन, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ये डीएनए के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है वो दो टाइप की होती है, जिसमें पहला टाइप है पिरामिडिन, दूसरा टाइप होता है प्यूरिन। जो पिरामिडिन है उसके अंदर, जिसमें पहला है थायमिन, दूसरा है साइटोसिन, और प्यूरिन जो आता है, प्यूरिन दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है दूसरे टाइप का। इसके अंदर दो टाइप के आते हैं, एडेनिन और गुआनिन टाइप। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। आइए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जब एक शुगर, एक फॉस्फेट और चार में से कोई भी एक बेस, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, एक चार में से कोई एक, तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियोसाइड फिर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड भी तो होता है, सुना होगा आपने कि न्यूक्लियोसाइड कुछ होता है। तो न्यूक्लियोसाइड जब बेस और शुगर ऐड होती है तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाती है, न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगी तो वो न्यूक्लियोटाइड में बदल जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की, जो कि 1953 में वॉटसन क्रिक ने दिया था, 1952 भी हो सकता है कुछ बुक्स में, हायर स्टडीज बुक्स में। तो देखिए, हम जैसे जानते हैं कि वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था डबल हेलिक्स का, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और भी थे जो इनके साथ काम कर रहे थे, जैसे फ्रैंकलिन और कुछ अदर साइंटिस्ट। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर्स पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात इसमें आती है कि इन्होंने जो मॉडल दिया था डीएनए का, वो बी टाइप का डीएनए था, क्योंकि डीएनए मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड जेड डीएनए। लिंक की, तो बी डीएनए में जो कॉइलिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है, मतलब घड़ी चलने की दिशा में ऐसे, और इसका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम बात करें डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच की दूरी की, तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए एक एक्सियल, कह सकते हैं एक्सियली बटा हुआ होता है, डिवाइड होता है, एक बीच में लाइन होती है, दिखाई नहीं आती है, जहाँ से वो बराबर बराबर घुमा हुआ होता है। जो नाइट्रोजनस बेस है जो कि एडनोसिन थायमिन से जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन से, तो जो एडनोसिन है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वही जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन्स वो फैक्टर होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए की कॉइलिंग में मदद करते हैं, मतलब अपने चारों ओर डीएनए को लपेट लेते हैं। अब वो कैसे लपेटते हैं, इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है H1, सेकेंड H2A, थर्ड है H2B, फोर्थ है H3 एंड फिफ्थ है H5।
इसमें जो H1 होता है उसे छोड़कर सब ऑक्टामर होते हैं। तो ये अब देखते हैं कि कैसे ये DNA को कॉइल करते हैं। जो स्टोन प्रोटीन है 5 टाइप की, उनमें से H1 को छोड़कर H2A, H2B, H3, H4 सब मिलकर 8 हिस्टोन कोर बनाते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल टाइप बनाते हैं जिसके चारों तरफ DNA लिपटा हुआ होता है। जो बची हुई H1 प्रोटीन है वो एज अ पोल वर्क करती है, और जो DNA 8 हिस्टोन कोर पे लिपटा हुआ है उसे टाइट रखने का काम करती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन कोर पर DNA को बांधने का काम करती है। कौन? H1 हिस्टोन। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसे ये न्यूक्लियोसोम हो गया। तो देखिए DNA होता कहाँ है। तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम पर DNA होता है, या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोम ही DNA होता है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं पर सेल में क्रोमोसोम के, तो हम ये भी कह सकते हैं 23 पेयर्स होते हैं DNA के पर सेल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात किसकी, जो कॉइलिंग होती है वो कैसी होती है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सो थैंक्स।